खरगोन जिले के ग्राम धुलकोट में बड़े हर्षोल्लास के साथ रंग पंचमी के बाद सप्तमी के दिन 3 साल में एक बार गुड़ तोड़ पर्व मनाया जाता है। गुड़ तोड़ पर्व के दिन गांव को विशेष साज सज्जा के साथ सजाया जाता है। गांव में मेला भी लगाया जाता है। इस पर्व में गांव के पटेल और मुखिया विजय सिंह सोलंकी गुड़ तोड़ने के लिए पहले गांव के आसपास के मंदिरों में पूजा करते हैं। उसके बाद मुखिया द्वारा खंभे की पूजा करके गाड़ा जाता है। खंभे के मुख्य भाग पर गुड़ बांधा जाता है, फिर पुरुषों द्वारा खंभे पर चढ़कर गुड़ तोड़ा जाता है, लेकिन महिलाओं द्वारा उन्हें डंडे से पीटकर गुड़ तोड़ने से रोका जाता है। यह प्रक्रिया 7 बार होती है। यह पर्व देखने के लिए दूर दूर से ग्रामीण जन एकत्रित होते हैं और यह पर्व बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। बरूड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ग्राम धुलकोट में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये होली के बाद में सप्तमी के पर्व पे होता है और कुल मिलाकर कृष्ण पर्व है ये। जिस प्रकार से कृष्ण ने मटकी तोड़ी थी, उसी प्रकार से ये हमारे आदिवासी समाज में जो भिलाला समाज द्वारा गुड़ तोड़ पर्व होता है। इसमें गुड़ तोड़ने से पहले गांव के जो भी देवी देवता है, जो गांव के आसपास जो रहते हैं, उनकी पूजा वगैरह होती है। पूजा होने के बाद में जो गांव के मुखिया होते हैं पटेल के द्वारा जब आते हैं और खम्भ को पूजा के माध्यम से गाड़ा जाता है, और पूजा करने के बाद में जो परंपरा भिलाला समाज के द्वारा जो होती है, आदिवासी भिलाला समाज के द्वारा, तो वो उसके बाद में परंपरा होती है 7 बार गुड़ को तोड़ा जाता है। जो महिलाएं रहती हैं वो पूरा भंग वगैरह पिला कर जो लस्सी वगैरह बनती है उसके द्वारा जो भंग के माध्यम से जो लेडीज ऑन रहती है वो सभी भंग पी हुई रहती है, और जब तोड़ने जाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए जब रोका जाता है, उसको महिलाएं रोकती है, वो तोड़ने वाले उसको अपने अपने माध्यम से तोड़ते जाते हैं। तो वो 7 बार तोड़ते हैं, 1 बार तोड़ते हैं, उसके बाद में तोड़ने के बाद में ऐसी परंपरा 7 बार होती है। ये साल में ये 3 साल में 1 बार आता है। क्या नाम है आपका? सुभाष पवार, भारतीय जनता पार्टी, अजजा मोर्चा, धुलकोट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।